नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 12th of January 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अगेन दैट पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। सबसे पहला न्यूज देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। वी शॉर्ट, देखो ध्यान से देखना, VSHORAD दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, इन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है टू दिस वी शॉर्ट मिसाइल सिस्टम, जिसको डिजाइन और डेवलप किया गया किसके द्वारा, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये अलाउंस कैसे दिया गया, ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्यों दिया गया, एमिड द ऑनगोइंग मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो क्या हमें चाइना के साथ LAC में देखने को मिल रहा है, जो क्या बीच बीच में धमकियां ही मिलती रहती है पाकिस्तान से, राइट। सो यस, इंडिया इनफैक्ट रशिया के साथ भी 2018 से ही बात कर रहा है टू प्रोक्योर इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। देखो ऐसा नहीं है कि अभी तक हमारे पास कोई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है। जी हाँ है, रशियन ही है, रशियन इग्ला एम मिसाइल सिस्टम है, बट वी वॉन्ट टू प्रोक्योर इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, एज वेल। However, कहा जा रहा है दैट इस सेक्टर में बहुत ही कम प्रोग्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए बीच में गवर्नमेंट ने पिच किया था ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस रीजन, राइट। सो इसलिए ये पिच काफी ज्यादा लो पड़ गया था, बट एनीवेज अभी चीजों को रिवाइवल करने की बात की जा रही है। सवाल होता है दैट ये जो वी शॉर्ट है ये किस टाइप का डिफेंस सिस्टम है। ये देखो मैनपैड है, मैनपैड बोले तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, दैट इज इस टाइप की एयर डिफेंस सिस्टम होगी, है ना, जो क्या आराम से कोई भी सैनिक अपने कंधे पर भी ले जाकर कोई भी मिसाइल को मार सकता है, या फिर मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर या फिर कुछ भी ड्रोन्स इसको मारा जा सकता है, राइट। मतलब ये मेनली ये जो मैनपैड सिस्टम या फिर वी शॉर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है, ये इसका मेन एम है दैट कैसे लोअर एल्टीट्यूड में कोई भी एरियल टारगेट्स को हिट करके उसको बर्बाद किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966। क्यों न्यूज़ में था वो हमको ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है, बट बेसिकली मैं बोल दे रहा हूं आपको दैट 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा देखा जा रहा था, एमिड एक पिटिशन फाइल किया गया था दैट ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो आसाम में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को जो रहने के लिए बोला जा रहा है, सो ये बिल्कुल इट इज गोइंग अगेंस्ट द चार्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो एनीवेज देखते हैं क्या है। पिटिशन वेर फाइल टू चैलेंज 6A डिस्क्रिमिनेटरी नेचर इन ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू द इलीगल बंगाली माइग्रेंट्स टू द रीजन ऑफ इन एंड अराउंड आसाम एंड बंगाल, राइट। एंड पिटिशनर्स सेड दैट द स्पेशल क्लॉज वायलेटेड आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो सवाल है ये सेक्शन ए के बारे, इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ ना, ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन था सेक्शन 6A जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1955 वाले एक्ट में इन परसुएंस ऑफ द आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड में ऑफ कोर्स पता है आपको 1985 15 अगस्त को साइन किया गया था बाय द देन सेंट्रल गवर्नमेंट विद द लीडर्स ऑफ द देन आसाम मूवमेंट, और आपको पता होना चाहिए दैट उस समय जो है 6 साल का एक लंबा कैंपेन चला था भाई आसू, आसू स्टैंड्स फॉर ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, और इनका मेन मांग यही था दैट देखो भाई जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको डिपोर्ट करो फ्रॉम द स्टेट, लार्जली फ्रॉम द नेबरिंग बांग्लादेश। अंडर सेक्शन 6A फॉरेनर्स जो इंटर किए थे आसाम बिफोर दिस टाइम डेट दैट इज January 1, 1966, वो तो स्टेट के ओरिजिनल रेसिडेंट माने जाएंगे और उसको सारे राइट सारे ऑब्लिगेशन है जो कि इंडियन सिटीजन एक नॉर्मल सिटीजन को रहेगा, राइट। बट वैसे लोग जिन्होंने इंटर किया था आफ्टर दिस पीरियड दैट इज January 1, 1966 से लेकर March 25, 1971, दे वुड हैव द सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट दैट दे वुड नॉट बी अलाउड टू वोट फॉर द 10 ईयर। सो दीज आर द सेक्शंस, आई मीन दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्शंस दैट आर मेंशनड इन सेक्शन 6A। What is cold wave? Cold wave, recently दिल्ली और भी different other parts of northwest India में काफ़ी ज़्यादा इसका स्पेस देखा जा रहा है। तो cold wave है क्या, देखो Indian Meteorological Department ने cold wave को define किया है in on the basis of minimum temperature, that is बोला जा रहा है जब minimum temperature 4 degree कम है या फिर
मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन 10 डिग्री एंड 4.5 टू 6.4 डिग्री बिलो द नॉर्मल एस्पेक्ट, देन वी कॉल इट दैट फेज दैट यस यहाँ पर कोल्ड वेव चल रही है. सवाल होता है दैट अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स देखते हैं हम लोग, गर्मियों के दिनों में हॉट वेव वार्म वेव्स देखते हैं, हॉट वेव, ठंडियों के दिनों में कोल्ड वेव्स, ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस. तो देखो मेन जो रीज़न है ना वो है मतलब बहुत सारे वैसे रीजन है, एक तो अनडाउटेडली क्लाइमेट चेंज तो है ही, आप बोल सकते हैं, बट लार्ज स्केल फॉग कवर के कारण भी क्या होता है ना, सनलाइट प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है सरफेस तक, तो गर्म कैसे होगा सरफेस, ठीक है. एक तो ये है, लाइट विंड्स और हाई मॉइस्चर जो है नियर द लैंड सरफेस दे हैव बिन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फॉग इज वेल. वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो कि आपको वेस्टर्ली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, है ना. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है ना, ये मेडिटेरेनियन रीजन से जो है बहुत सारे विंड्स को, हवा को, इनको, बारिश को, क्लाउड्स को इस रीजन में लाती है, जिसके कारण बेसिकली जो टेम्परेचर है वो भी फॉल होने का एक रीजन है. टाइटल 42 वाज आल्सो रिसेंटली इन न्यूज़. क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है दैट कोविड 19 पैंडेमिक एरा का जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, जिसको हम लोग बोलते थे बाय द नेम ऑफ आर्टिकल टाइटल 42, नॉट आर्टिकल 42, माफ कीजिएगा, टाइटल 42, तो उसके तहत फिर से यूएस गवर्नमेंट ने बोला है दैट जी हाँ, इस टाइटल 42 का इस्तेमाल करके मेक श्योर कीजिए दैट वैसे माइग्रेंट्स जो कि निकारागुआ, क्यूबा, हैती, है ना, उसके थ्रू यूएस मेक्सिको बॉर्डर के थ्रू यूएस में अगर घुस रहे हैं तो उनको फिर से मेक्सिको में भेज दिया जाए, राइट. सो ये जो है टाइटल 42, ये कोविड 19 पैंडेमिक के स्टार्ट के समय में ही यह टाइटल बेसिकली इशू किया गया था, जिसके तहत अलाउ किया जा गया था बॉर्डर एजेंट्स को दैट वैसे माइग्रेंट्स जो क्या यूएस मेक्सिको बॉर्डर से यूएस की तरफ आ रहा है उसको फिर से मेक्सिको भेज दीजिए. अब ये जो माइग्रेंट्स है ये निकारागुआ, क्यूबा, हैती, डिफरेंट रीजन से हम लोग को देखने को मिल रहा था. नेक्स्ट, ओतान थुलाल, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है. ओतान थुलाल, ओतान थुलाल है क्या, ये एक रेसाइटेशन और एक डांस आर्ट फॉर्म है केरला का. ये फेमस है इसके ह्यूमर और सोशल सटायर के लिए और इसको मार्क किया जाता है बाय वेरी वेरी सिंप्लिसिटी. आप देख रहे हो ये है, दिस इज द ओतान थुलाल, राइट. इसको यू नो मतलब देखिए और भी डिफरेंट अदर डांस फॉर्म्स है ना आपके केरला के, कथकली, कुडियट्टम, राइट, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट. और इसकी सिंप्लिसिटी ये है दैट इतनी सिंप्लिसिटी है दैट वो जो कथकली और कुडियट्टम जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से थोड़ा हट के, राइट. स्ट्रिक्टली ये जो आर्ट फॉर्म है ये फॉलो करता है प्रिंसिपल्स ऑफ नाट्य शास्त्र जो कि लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा, एंड इसमें परफॉर्म किया जाता है सोलो एंड इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टेम्पल फेस्टिवल फ्रॉम द टेम्पल प्रीमाइसेस, राइट. दीज सॉन्ग्स आर वेरी फास्ट एंड रिटन इन मलयालम. देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ध्यान रखिए कि यू नेवर नो दैट कल को यही वाला क्वेश्चन आ जाए ओतान थुलाल के रिलेटेड. आप सबने तो क्लासिकल म्यूजिक पढ़ा हुआ रहेगा इंडिया का, राइट, बट यस इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर हेरिटेज फॉर्म, राइट. एनीवेज अलोंग विद द डांसर देयर इज ऑल्सो सिंगर हु रिपीट्स द श्लोकास. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कौन कौन है, मृदंगम, इलाथम, मरल्लम, राइट, और परफॉर्मर जो है उसको हम लोग थुलाल करण भी बोलते हैं. अ ग्रेट मलयालम पोएट जिनका नाम है कुंचन नंबियार, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था थुलाल 18 सेंचुरी में और इसका मेकअप ऑलमोस्ट अगर देख लीजिएगा कथकली के ही जैसा होता है. नेक्स्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम. सो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम है क्या, ये वैसे ब्लॉक्स, देखो क्या होता है ना अगर हायरार्की देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे जो है वेरियस ब्लॉक्स आते हैं, राइट. सो वैसे ब्लॉक्स जो कि डेवलपमेंट पैरामीटर्स में लैग कर रहे हैं उसको इंप्रूव किया जाएगा, जहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा दोनों, बोथ सोशल एज वेल एज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी को भी जिससे इन्हांस किया जा सके, क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी इन्हांस नहीं होगा तो डेटा चोरी का रिस्क रहेगा, राइट. सो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है इट इज ऑन द एब्सोल्यूटली लाइन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आपको पता होना चाहिए. इसको अनाउंस किया गया था बजट 2022-2023 में और प्रोग्राम में कवर किया जाएगा 500 डिस्ट्रिक्ट विद 31 स्टेट्स, जो क्या 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ऑफकोर्स इनिशियली किया जाएगा, ओवर
हाफ ऑफ दिस ब्लॉक्स देख लीजिएगा, वो छह स्टेट्स में है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल लाई करता है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। इसको लॉन्च किया गया था 2018 को, जिसका मेन एम है दैट 112 ऐसे मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो हम अक्रॉस द कंट्री, उसको कैसे इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म किया जा सके, वहां पर कैसे सोशल एंड यू नो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जा सके। इसको एंकर किया गया था एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को नीति आयोग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एक कन्वर्ज कोलाबोरेट और कॉम्पिटिशन है अमंग द वेरियस डिस्ट्रिक्ट, जिससे डिस्ट्रिक्ट जो है आगे यू नो बढ़ सके, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों एमसीक्यू में। कल जो एमसीक्यू पूछा गया था यंग प्रोफेशनल स्कीम के रिलेटेड, इंडिया किसके साथ डील कर रही है, यूएस, फ्रांस, रशिया और यूके में, ऑप्शन सही ऑप्शन था यूके। आज भी देखिए, आज भी एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें ऑप्शन तो सेम मैं देता हूं, ठीक है, बट क्वेश्चन थोड़ा अलग कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस टू एक्सटेंड कोविड 19 पैंडेमिक एरा रेस्ट्रिक्शंस नोन एज टाइटल 42 टू एक्सपेल माइग्रेंट्स टू नियर बाई नेबरिंग कंट्रीज, यूएसए, फ्रांस, रशिया या फिर अगेन यूके। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।